आज हमने बनाया है चिकन और करेले का सालन। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जबरदस्त बना है। आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। चिकन और करेले का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, चूल्हा ऑन कर दिया है और ऑयल को कर लेंगे गरम। और करेले यहाँ पर मैंने लिए थे दो, तकरीबन 1.5 पाव करेले थे। इनका छिलका उतार के मैंने इनको बारीक इस तरह से काट कर और नमक लगा के तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इनको रख दिया था। और अभी अच्छी तरह से धोकर इनका मैंने पानी जो है वो बिल्कुल निचोड़ लिया है। तो अभी हम ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर हम करेले डाल देंगे। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें करेले डाल देते हैं। और करेले को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हम इनका कलर डार्क नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट कलर। या आप देख सकते हैं कि करेले का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। बस थोड़ी देर के लिए हम इनको और फ्राई करेंगे। करेले हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अभी हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। कुछ लोग जो हैं इनको बहुत ज़्यादा डार्क कलर इनका कर देते हैं, तो मैंने इनको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया, लाइट कलर इनका रखा है। जी ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। अभी हम इसी ऑयल में प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने लिए हैं तकरीबन 3 अदद और इनको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को भी हमने बिल्कुल जो है लाइट सा कलर आने तक फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं प्याज का लाइट, प्याज को मैंने लाइट सा ब्राउन किया है, ज़्यादा डार्क कलर इसका मैंने नहीं किया। अभी हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। मैं यहाँ पे सिर्फ हरी मिर्चें इस्तेमाल करूँगी, आप चाहें तो लाल मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक लहसुन को बिल्कुल मैंने थोड़ा सा जो है वो फ्राई किया है प्याज के साथ। और अभी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिकन, 1/2 किलो मैंने चिकन ली है और इसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है मैंने। अभी हम चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। इस टाइम पर चूल्हा जो है वो हम थोड़ा मीडियम से हाई की तरफ करेंगे और चिकन को हमने अच्छी तरह से प्याज और अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट तक हम चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको इसी तरह से भून लिया है। अभी हम ऊपर से कवर करेंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि ये अंदर तक गल जाए। 3 मिनट हो चुके हैं और अभी हम चिकन को चेक कर लेते हैं। अभी हम इसमें डाल देते हैं दूसरे मसाले। टमाटर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप चेक करके डालिएगा क्योंकि करेले को भी हमने नमक लगा के रखा होता है, ये ना हो के बहुत ज़्यादा हो जाए। और बारीक पिसा हुआ धनिया डाला है मैंने 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हल्दी। मैंने हरी मिर्चें डाली हैं जो बारीक कड़वी वाली मिर्चें होती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी मसाला खाना पसंद करते हैं, जो भी लाल मिर्चें या काली मिर्चें, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बिल्कुल हल्के फुल्के मसालों से। अभी हमने जो मसाले डाले हैं इसके साथ चिकन को पहले अच्छी तरह से भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें करेले जो हैं वो ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे चिकन की। मैं थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ ताकि जो मसाले हैं उनकी जलने की स्मेल ना आए। अभी दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए इसको फिर कवर कर दूंगी और कवर करके हम इसको पका लेंगे। चिकन को हमने लो फ्लेम पे जो है अच्छी तरह से मसालों के साथ पका लिया है। अभी हम इसमें डाल देते हैं करेले। करेलों के साथ भी हमने अभी अच्छी तरह से इसको भून लेना, तकरीबन 3 से 4 मिनट। करेलों को भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है चिकन के साथ और अभी मैं इसमें पानी डाल दूंगी।
एक कप पानी डाल देंगे। अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और चूल्हा मैं बिल्कुल स्लो कर दूंगी और हल्के चूल्हे पर हमने इसको पकाना है तकरीबन 5 मिनट तक, जब तक के पानी जो है इसका वो खुश्क ना हो जाए। जी नाज़रीन, तो चिकन हमारा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पानी जो है इसके अंदर बिल्कुल खुश्क हो चुका है। जी नाज़रीन, तो करेले और चिकन का सालन बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे, चूल्हा कर देंगे बंद। चिकन और करेले का सालन बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।